Zoom Digital Media में आपका स्वागत है। पूर्व सेना के दिग्गज एवं वीर नारियों की सेवा में प्रतिबद्ध स्पेयरहेड डिवीजन लिकाबाली दिनांक 4 मार्च 2023 को एक सर्विसमैन रैली का आयोजन किया। कोरोना महामारी के चलते गत 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को स्थगित की गई थी। दो वीर नारी, एक वीर माता, एक स्पेशल चाइल्ड और 1500 पूर्व सैनिक एवं उनके परिजन अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों से, असम के 2 जिलों से इस अवसर पर शामिल हुए। स्पेयरहेड डिवीजन के दिग्गजों ने सभी वीर नारियों, वीर माताओं एवं पूर्व सैनिकों से बात विचार की और उनके समस्याओं पर बात की। इस दौरान सैनिक बोर्ड, आधार हेल्पलाइन, रिकॉर्ड ऑफिस, आर्मी भर्ती संबंधी एवं मेडिकल कैंप का स्टॉल लगाया गया। अग्निवीर भर्ती पर भी विस्तार से इस रैली में बताया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन में होने वाली टेक्निकल समस्याओं को भी विस्तार से समझाया गया, जिससे कि लोगों को भर्ती करते समय कोई मुश्किलों का सामना न करना पड़े। स्पेयरहेड डिवीजन ने पूर्व सैनिकों को देश हित में की गई सेवा का आभार व्यक्त किया और इस अवसर पर उन्होंने उन शहीदों को भी याद किया और उनके सम्मान में मौन रखकर उनका नमन किया। पेंशन और अन्य वेलफेयर स्कीम पर भी चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश और असम के गवर्नर को इस रैली के आयोजन को सफल बनाने में उनके योगदान के लिए अपना आभार व्यक्त किया। इस रैली में एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया था। गोरखा सेना के खुकरी डांस एवं अरुणाचल प्रदेश के वॉर डांस टापू सबसे शीर्ष कार्यक्रम रहा। Oh,
कि इस वर्ष से सबसे पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, यानी कि तीन स्टेज में रिक्रूटमेंट पूरा किया जाएगा। पहले स्टेज में कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एग्जाम देनी होगी, उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको फिजिकल रैली के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका मेडिकल टेस्ट होगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इस बदलाव के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा वो सभी के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक साथ कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि ये सभी कैंडिडेट्स के लिए एक ओपन कॉमन प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा। नाउ जो सबसे जरूरी बात इसमें जो है वो इस साल के लिए है, वो है कि इस साल की रिक्रूटमेंट रैली का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी खुल चुका है, और जो रजिस्ट्रेशन है उसकी विंडो 15 मार्च को बंद होने जा रही है। मैं आप सभी से यह अनुरोध करूंगा कि यह इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे, ताकि वो 15 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है, आप किसी भी इंटरनेट कनेक्शन पे अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या अपने पास के किसी भी इंटरनेट सेंटर पे जाके इस प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा उसी रजिस्ट्रेशन के दौरान। अगर किसी बच्चे को फिर भी शक है कि मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करूं, तो ये रजिस्ट्रेशन www.joinindianarmy.nic वेबसाइट पे होगा, और इस रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पे बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए एक फीस देनी होगी जो कि 500 रुपए है, जिसके अंदर 50% फीस इंडियन आर्मी वहन करेगी और 50% फी कैंडिडेट को देनी होगी। ऑनलाइन फी जमा कराने के भी बहुत सारे उसके अंदर सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, वहां भर सकता है एग्जाम सेंटर, और उनमें से एक एग्जाम सेंटर दे दिया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कैंडिडेट को अपना वर्किंग ईमेल आईडी, अपना आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर, ये चीज कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। एक बार फिर आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन की विंडो है इस साल के रिक्रूटमेंट के लिए वो सिर्फ 15 मार्च तक खुली है, तो इस विंडो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और मैक्सिमम यूथ उसका फायदा उठाए। दो और महत्वपूर्ण बात वो है कि एनसीसी कैडेट्स के लिए बहुत बोनस मार्क्स का इस बार बंदोबस्त है। इसके अलावा आईटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए लगभग 50 अंक तक के बोनस मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आईटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भी कि वो अप्लाई करें। आपको इससे संबंधित और ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने यहां पे इंफॉर्मेशन स्टॉल लगाया है, आप विजिट करें, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। जिसमें कि दोनों स्टेट अरुणाचल और असम के जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ पर जो लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डीसी हो या एसपी हो या उसके अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, जिन्होंने कि यहाँ पर अपने सेवाएं प्रदान कराई हैं, उन सब का भी मैं बहुत ही आभारी हूँ। और मैं आभारी हूँ चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश और चीफ मिनिस्टर असम, उसके अलावा उससे भी पहले एक्स गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, जिन सभी ने मिल करके आप लोगों के इस रैली के लिए मिलजुल करके काफ़ी धनराशि दी है, जिससे कि ये रैली और भी सक्सेसफुल हो सके और इसमें जितनी भी हम आपको सेवाएं दे सकें वो सेवाएं मौजूद हो सकें, वो उसके लिए योगदान दिया है। तो उन सब के लिए मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, जिस
तरह की जो हम लेकर के आए हैं उसमें सबसे पहले पेंशन से संबंधित समस्याओं के लिए स्पर्स, जिसमें कि 8 काउंटर लगाए गए हैं, पीसीडीआई की टीम जैसे कि मैंने बताया है, पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन। अगर बहुत बड़ा बदलाव किया है, वो बदलाव ये है कि अभी पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल रैली कंडक्ट की जाएंगी और फिर मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ITI कैंडिडेट्स को इस बार इनटेक के लिए बहुत अत्यधिक बोनस मार्क्स प्रदान किए जा रहे हैं, लगभग 50 अंक तक के बोनस मार्क्स उनको दिए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज मैक्सिमम यूथ तक जाए कि जो इस साल का रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विंडो, वो 15 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम यूथ आपके जरिए मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम यूथ तक जाए कि इस बार अपना रजिस्ट्रेशन 15 मार्च तक कंप्लीट करें। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपने www.joinindianarmy.nic की वेबसाइट पर जाना है। ये आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी अपने लैपटॉप कंप्यूटर कहीं पे भी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इतना इजी है कि वहाँ पे वीडियोस भी दिए गए हैं, अगर किसी को इनफैक्ट फिर भी समझ में ना आए तो साइट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करने के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा वहीं पे, उसी साइट पे जाके, जहाँ पे आपको 250 रुपीज़ पे करने हैं। पूरी फ़ीस 500 रुपये है, जो कि 500 रुपये में से 250 रुपये इंडियन आर्मी पे करेगी, 250 रुपये कैंडिडेट पे करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये रजिस्ट्रेशन जो है ये 15 मार्च को क्लोज़ हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम पीपल, इवन ITI क्वालिफाइड लोग जो हैं वो आएँ, रजिस्ट्रेशन करें। स्पोर्ट्स के लिए, NCC के लिए बहुत सारे बोनस मार्क्स की सुविधाएं दी गई हैं, तो ये आप लोगों से गुजारिश है कि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम यूथ इस स्कीम का फ़ायदा उठाए। धन्यवाद।